Hello everyone, welcome to Learning Science. Aaj hum difference between low density polyethylene and high density polyethylene ke bare mein padhenge. Low density polyethylene ko LDPE bhi kaha jata hai aur high density polyethylene ko HDPE bhi kaha jata hai. To sabse pehle aata hai density. Low density polyethylene has low density than high density polyethylene. Low density polyethylene के नाम में ही लो डेंसिटी है तो जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है उसका डेंसिटी जो है कम होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से. High density polyethylene has high density than low density polyethylene. और जो high density polyethylene होता है उसका डेंसिटी जो है ज़्यादा होता है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन से. फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस. Low density polyethylene is prepared by heating pure ethylene to 350 to 570 Kelvin under high pressure 1000 to 2000 atmosphere in the presence of traces of oxygen or peroxide initiator catalyst which initiates polymerization. जब हम प्योर एथिलीन को हीट करेंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे कि कैटलिस्ट है ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन या परऑक्साइड इनिशिएटर के प्रेजेंस में, तो पॉलीमराइजेशन होने की वजह से हमें लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन मिलता है. और यहाँ पे दो और कंडीशन भी होना चाहिए. पहला है जो टेम्परेचर है वो 350 से लेके 570 केल्विन तक होना चाहिए और दूसरा है प्रेशर. प्रेशर जो है वो 1000 से लेके 2000 एटीएम तक होना चाहिए. High density polyethylene is prepared by heating ethene in a hydrocarbon solvent at about 333 to 343 Kelvin under pressure of 6 to 7 atmosphere in the presence of catalysts such as triethylaluminium and titanium tetrachloride known as Zeiglar Natta catalyst. And jab hum ethene jisko ethylene bhi kehte hain jo ki hydrocarbon solvent ke andar hoga usko heat karenge catalyst ke presence mein, kaun sa catalyst? Zeiglar Natta catalyst ke presence mein 333 se leke 343 Kelvin tak aur pressure जो है वो होना चाहिए 6 से लेके 7 एटीएम. तो पॉलीमराइजेशन होने की वजह से एथिलीन का हमें हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है मिलता है. और ट्राईथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर को Zeiglar Natta कैटलिस्ट कहा जाता है. यहाँ पे फिगर में दिया है जब हम n टाइम्स ईथीन को 350 से लेके 570 केल्विन पर हाई प्रेशर पे यानी कि 1000 से लेके 2000 एटमॉस्फेयर पर हीट करेंगे तो पॉलीमराइजेशन होने की वजह से हमें लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन मिलेगा. और जब हम n टाइम्स ईथीन को 333 से लेके 343 केल्विन पर 6 से लेके 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ Zeiglar Natta कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन मिलता है पॉलीमराइजेशन होने की वजह से. तो डिफरेंस क्या है? लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर चाहिए 1000 से लेके 2000 एटीएम तक. लेकिन जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है उसे बनाने के लिए हमें कम प्रेशर चाहिए 6 से लेके 7 एटीएम एटमॉस्फेयर तक और Zeiglar Natta कैटलिस्ट जो है चाहिए. फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर. लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन हैज़ लॉट्स ऑफ ब्रांचिंग. जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस जो है प्रेजेंट होता है. हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन हैज़ लेस ब्रांच. और जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है उसके अंदर कम ब्रांच होता है. फिर उसके बाद आता है स्ट्रेंथ. हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज़ स्ट्रॉन्गर दैन लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन. जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है वो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज़ वीक. यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन दिया है जो कि वीक होता है और ये जो बैग है वो एकदम से फट जाता है. हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज़ स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का एक बैग दिया है और इसका एग्जांपल है जैसे कि शॉपिंग बैग और वो जो है स्ट्रॉन्ग होता है. फिर उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी. लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है
वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि वो ईजिली बेंट होता है. हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज़ मोर रिजिड देन लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जबकि जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन. वो रिजिड होता है, एकदम से बेंट जो है नहीं होता है. फिर उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी. हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज़ लेस ट्रांसपेरेंट देन लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन. अगर हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करें, यानी कि वो जो प्लास्टिक है उसके आर पार हम देख सकते हैं या नहीं, तो जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है वो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन से कम ट्रांसपेरेंट होता है. फिर उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़. लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज़ केमिकली इनर्ट. जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है वो केमिकली इनर्ट होता है, यानी कि केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है. एक्सपोजर टू लाइट एंड ऑक्सीजन रिजल्ट इन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉस ऑफ टेयर रेजिस्टेंस. और अगर हम लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन पे लाइट पड़ने देंगे या ऑक्सीजन में एक्सपोज करेंगे तो वो जो है अपना स्ट्रेंथ लूज कर देगा और अपना जो टेयर रेजिस्टेंस है उसको लूज करेगा, यानी कि एकदम से वो जो है फट जाएगा. हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज़ केमिकली इनर्ट. जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है वो भी केमिकली इनर्ट होता है, यानी कि केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है.